हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किराज एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज के बारे में। तो लॉज को मेनली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने क्या किया, ज्यूरिसप्रूडेंस ने किया, एक तो स्टेट लॉ और नेशनल लॉ, और दूसरा इंटरनेशनल लॉज। तो इंटरनेशनल लॉज तो अकेला ही दे रखा है, बट नेशनल लॉ हमें बहुत सारे दे रखे हैं। तो पहले नेशनल लॉ को कर लेते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल को करेंगे। सो नेशनल लॉ में ऑब्वियस बात है, देखो दो ही पार्ट्स आएंगे, एक तो पब्लिक लॉ और एक प्राइवेट लॉ। तो पब्लिक लॉ क्या होते हैं, पब्लिक लॉ जो स्टेट बताता है, ठीक है, जो स्टेट को डिफाइन करते हैं, वो जिसमें हमारे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या बताता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, और किसी किसी कंट्री का जैसे रिटर्न होता है, किसी का अनरिटर्न भी होता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, अपने इंडिया का रिटर्न है डजंट मीन कि सबका रिटर्न ही होगा, राइट। और फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, तो किसको कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, किसके पास कितनी पावर है, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बताता है। तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस डिफाइन किए जाते हैं और उनकी पनिशमेंट दी होती है। तो ये हमारा हो गया पब्लिक लॉ कवर। इसके बाद प्राइवेट लॉ, तो प्राइवेट लॉ को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लॉ ऑफ पर्सन, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ पर्सन मतलब जो पर्सन से रिलेटेड कोई लॉ हो, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लॉ हो। अब लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस क्या है, ऑब्लिगेशन मतलब जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, तो उसमें आ जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, पर वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से ही निभाया जाता है, जैसे कि फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ा होगा आपने सेकेंड ईयर में। अब आ जाता है टॉर्ट्स, टॉर्ट्स मतलब किसी के ऐसे एक्ट की वजह से किसी दूसरी पार्टी को इंजरी होती है या कोई लॉस होता है, उसके लिए उसे रेमेडी देनी पड़ती है, वो होता है टॉर्ट्स। अब साथ ही में आता है द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, तो कन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉज क्या होते हैं वो अब हम इसमें समझेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो एक कंट्री की दूसरी कंट्री से रिलेशन बता देता है, और प्राइवेट वाला वो होता है जैसे मान लीजिए अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में हुआ एक एग्रीमेंट हुआ, जो कि इन्हें सीलोन में वो करना है, परफॉर्म करना है। तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जिस कंट्री के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे वो हो जाता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, और जिसको हम ये भी कहते हैं दी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉज। तो एक क्विक रिविज़न इसका हम ले लेते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टेट लॉ और नेशनल लॉ, दूसरी तरफ सिर्फ इंटरनेशनल लॉ। इसको फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, और प्राइवेट में, प्राइवेट के नाम से समझ में आ रहा है, जो प्राइवेटली हो, लॉ ऑफ पर्सन, प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉज। इसके भी तीन पार्ट्स हैं हमारे, कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।